हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कहिए कैसे हैं आप फ्रेंड्स। काफ़ी दिन से मेरा वीडियोस नहीं आ रहा था क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। और फ्रेंड्स, कुकिंग के चैनल को लेकर के मुझे 2 साल हो चुके हैं, बट उसमें कोई अच्छा खासा रेस्पॉन्स नहीं दिखाई दिया। और क्योंकि यूट्यूब पर कुकिंग का बहुत ही ज़्यादा रश है, कुकिंग से स्टार्ट मैंने इसलिए किया था क्योंकि कुकिंग का ही मुझे बचपन से ही मुझे कुकिंग का शौक था और कुकिंग करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, नई नई रेसिपीज़ बनाना। तो इसीलिए मैंने कुकिंग का स्टार्ट किया था, बट अब मुझे कुकिंग में कुछ रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है क्योंकि इसका यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा रश हो गया है। और फ्रेंड्स, कई बार होता क्या है कि हम रियल में होते कुछ और हैं और हम अपने आप को प्रेजेंट कुछ और करते हैं, तो उसमें बड़ी मुश्किल हो जाती है क्योंकि मेरे ख्याल से जैसा हम ऊपर से होते हैं वैसा ही हमें अंदर से होना चाहिए, और जैसे हम अंदर से हैं वैसे ही हमें बाहर होना चाहिए। पर इसमें तो बहुत मुश्किल हो जाएगी क्योंकि कई बार हम ऊपर से बहुत अच्छे भले बनते हैं लेकिन हम अंदर हमारे कुछ और ही चल रहा होता है, और कई बार हम अंदर से अच्छे होते हैं लेकिन बाहर हमारा नेचर जो होता है वो लोगों को पसंद नहीं आता है। तो इस तरह की टिपिकल सिचुएशन भी हो जाती है कई बार। और इस बात को रियल रूप में बताने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहूँगी। जैसे कि मैंने एक बचपन में मूवी देखी थी और उसमें लो झुक गया आसमान उस मूवी का नाम है, और राजेंद्र नाथ उसके हीरो हैं। तो फ्रेंड्स, होता क्या है कि जो राजेंद्र नाथ होते हैं उनका जो है कार एक्सीडेंट हो जाता है स्टार्टिंग में ही, और उनकी आत्मा को जो यमदूत होते हैं वो ले जाते हैं। बट वो गलती से उन्हें किसी और की आत्मा को ले जाना था, उनका अभी टाइम था धरती पर, तो वो उनको वापस भेजते हैं। भगवान बोलते हैं कि आप इन्हें वापस लेकर जाइए, और जब उन्हें वापस लेकर के आते हैं तो उतने टाइम में उनके शरीर को जला दिया जाता है। अब वो बहुत कंफ्यूज होते हैं कि अब क्या करें। तो उधर जो उन्हीं के हम शक्ल होते हैं, जो हीरो है उन्हीं का हम शक्ल होता है, वो क्रिमिनल होता है उस फिल्म में, और उसकी डेथ होनी थी, उसको ले जाना था यमदूतों ने। और तो फिर क्या होता है, वो उसकी उधर तो उसकी गोली लगने से उसकी मृत्यु हो जाती है, और जो उनके तो प्राण निकल जाते हैं जो क्रिमिनल होता है, और जो वो आत्मा होती है तो वो डिसाइड करते हैं जो यमदूत होते हैं कि अब इस आत्मा को इस शरीर में डाल दें। तो फ्रेंड्स, वो उस जो आत्मा होती है, जो हीरो है, उसकी आत्मा को क्रिमिनल वाली बॉडी में डाल देते हैं, और उनको समझाते भी हैं, वार्निंग भी देते हैं कि देखो ये क्रिमिनल था, इसके जो कर्म है उसका तो तुम्हें अवश्य भुगतान करना पड़ेगा, लेकिन अगर तुम अपने अब के बाद जब तुम इस शरीर में प्रवेश कर जाओगे, तुम अच्छे काम करोगे तो उसका फल तुम्हें ज़रूर मिलेगा और भगवान तुम्हारी मदद अवश्य करेंगे। तो इस तरह से उनको समझा करके उनकी आत्मा को उस बॉडी में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, और फिर पूरी मूवी उसी के ऊपर चलती है। तो फ्रेंड्स, उसमें बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है कि जो वो क्रिमिनल होता है, अब वो तो क्रिमिनल था और उसकी मृत्यु हो चुकी थी, और उसमें आत्मा आ गई थी, अब जो हीरो था, रियल हीरो था फिल्म का, उसकी आत्मा आ चुकी थी। तो वो पहले तो वो सारे क्रिमिनल गलत कार्य करता था, बट उसके बाद जब वो आत्मा उसमें ट्रांसफ़र होती है तो वो सारे अच्छे नेक कार्य करने लग जाती है। धीरे धीरे वो सब चीज़ों पर अच्छा काम करना शुरू कर देती है, सब चोरी जो लूटपाट का काम है, मर्डर का काम है, वो सब बंद करना कर देती है। तो जो उसके चारों तरफ के जो लोग होते हैं गैंग के, वो सोचते हैं कि ये पता नहीं पागल हो गया है क्या, और इसी के चलते उसको मतलब बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, जब कोई बुरा व्यक्ति भी अच्छा बनना चाहता है ना, तो उसके साथ ये सिचुएशन फिल्म में ही नहीं, रियल लाइफ में भी होती है कि कोई अगर बुरा व्यक्ति अच्छा बनना चाहता है तो हमारा समाज उसे जल्दी से स्वीकार नहीं करता। और इसी तरह से जब कोई अच्छा व्यक्ति भी होता है बट वो अंदर से बुरा होता है तो वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि जैसा हम बाहर से होते हैं वैसे ही हमें अंदर से होना चाहिए। बट इसमें समाज में हमारे बड़ा ही अजीब व गरीब माहौल है क्योंकि इसमें लोग जो है वो बाहरी दिखावे को पसंद करते हैं और अंदर की रियलिटी को नहीं देखते हैं, और इसीलिए लोगों को शायद प्रॉब्लम भी आती है, और शायद इसीलिए इन्हीं चीज़ों को लोग बढ़ावा देते हैं, क्योंकि जब अच्छी चीज़ों को तो कोई प्रमोट ही नहीं करता ना, उन चीज़ों को कोई वैल्यू देता, तो लोग दिखावे पर ही ज़्यादा वो करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से जो हम रियल में हैं वही हमें रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, कहने का मोटिव मेरा यही था कि हमें जो हम बाहर से हैं वही हमें अंदर से रहना चाहिए, और जो हम अंदर से हैं वही हमें बाहर से रहना चाहिए। तो हमारी जो लाइफ है वो बहुत ही
उसमें थोड़ा टाइम तो लगता है, बट वो बहुत ही सरल हो जाती है और बहुत ही सुकून देने वाली हो जाती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको पसंद आई हो वीडियो को लाइक और शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।